हालेलुया। तो आज हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम मिलके आराधना करेंगे। मैं आपको साइड करना चाहती हूँ कि जब हम आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में चलेगा, फिरेगा। और जो बीमार है, जो दुखी है, जो ऐसे लोग हैं जो आज आज ये सोच के आए कि हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए डिजायर से आए, तो परमेश्वर आज हर एक डिजायर को पूरी करते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु सब एक साथ चर्च बोलेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को। आमेन। आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। जो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो ओमेगा है। जो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। चलिए एक साथ बोलेंगे। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, ओ हो, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो नीत जो विरोध में था मिटा डाला,
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हाँ वो है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम, जब तक सांस रहे हम करेना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेना हम विश्राम, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हाँ वो है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, बोलो बोलो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, 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 हालेलुया, 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 जो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इम्तेदा और इम्तेहा अल्फा ओमेगा है, जो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा और इंतहा अल्फा ओमेगा है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, रबा खा शाखा चला बाबा, हालेलुया, पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप हमारे जीवन में काम करने जा रहे हैं, हालेलुया, चर्च बोलो परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करने जा रहे हैं, आप हमारे जीवन में, क्योंकि आपने मुझे चुना है, क्योंकि आपने मुझे चुना है,
क्योंकि आपने मुझे चुना है, आपने मुझे चुना और आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे त्यागेंगे नहीं, मुझे त्यागेंगे नहीं, आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी। राक्षसी गोलियत को छोटे से पत्थर से, छोटे से दाऊद से मारने वाले, भेद चराने वाले, छोटे से दाऊद को ऊंचा उठाया तूने, ऊंचा 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 ऊंचा। राक्षसी गोलियत को छोटे से पत्थर से, छोटे से दाऊद से मारने वाले, भेद चराने वाले, छोटे से दाऊद को ऊंचा उठाया तूने, ऊंचा 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 ऊंचा। हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। ऊंचे नहीं मुझको सर बनाएगा, नीचा नहीं मुझको ऊंचा करेगा। हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी, हालेलुया स्तुति हो तेरी। भाव से भरा था, आंसू में डूबा था, मुझे देखकर यीशु धरती पर आ गया। भाव से भरा था, आंसू में डूबा था, मुझे देखकर यीशु धरती पर आ गया। सब गाएंगे चल। भाव से भरा था, आंसू में डूबा था, मुझे देखकर यीशु धरती पर आ गया। भाव से भरा था, आंसू में डूबा था, मुझे देखकर यीशु धरती पर आ गया। नई वाचा मुझसे बांधा, खोया हुआ सब कुछ लौटा दिया। नई वाचा मुझसे बांधा, खोया हुआ सब कुछ लौटा दिया। एल एलोही, एल एलोही, एल एलोही तेरी स्तुति हो। एल एलोही, एल एलोही, एल एलोही तेरी स्तुति हो। अपने सारे लोग छोड़ दिए तो भी मेरा यीशु मुझको कभी ना छोड़ेगा। अपने सारे लोग छोड़ दिए तो भी मेरा यीशु मुझको कभी ना छोड़ेगा। यहाँ वहाँ मैं भटक रहा था, अपनी संतान मुझे बना लिया। यहाँ वहाँ मैं भटक रहा था, अपनी संतान मुझे बना Elohim,
तुम्हारा करने आया हूँ खुदा, तू गिरने नहीं देगा, तू ऐसा है खुदा, तुझ पे भरोसा रखने आया हूँ खुदा, तू गिरने नहीं देगा, तू ऐसा है खुदा, तुझ पे भरोसा रखने आया हूँ खुदा, तू गिरने नहीं देगा, तू ऐसा है खुदा, गिरूं जहाँ प्रभु तू वहाँ है, थामा तूने तेरी करुणा है, गिरूं जहाँ प्रभु तू वहाँ है, थामा तूने तेरी करुणा है, एल एलोही 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 तेरे सच्चे हो, एल एलोही 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 तेरे स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, एल एलोही एलोही तेरी स्तुति हो, तुझ पे भरोसा रखने आया हूँ खुदा, तू गिरने नहीं देगा, तू ऐसा है खुदा, तुझ पे भरोसा रखने आया हूँ खुदा, तू गिरने नहीं देगा, तू ऐसा है खुदा, तुझ पे भरोसा रखने आया हूँ खुदा, तू गिरने नहीं देगा, तू ऐसा है खुदा, तुझ पे भरोसा रखने आया हूँ खुदा, तू गिरने नहीं देगा, तू ऐसा है खुदा, गिरूं जहाँ प्रभु तू वहाँ है, थामा तूने तेरी करुणा है, गिरूं जहाँ प्रभु तू वहाँ है, थामा तूने तेरी करुणा है, एलोही थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा हिल, थोड़ा चिल्ला के हम गाएंगे, थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा मुंह पोंछ के, हालेलुया हम गाएंगे, थोड़ा हिल, हालेलुया। सब लोग अपने मुंह, मुझे मालूम है गर्मी है, हम लोग को भी गर्मी लग रही है, और हम लोग परमेश्वर के साथ आराधना कर रहे हैं। थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा चिल्ला के हम गाएंगे, थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा चिल्ला के अपने बाजू वाले को बोलेंगे, थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा मुंह पोंछ के हम गाएंगे, हम गाएंगे, मुंह पोंछ लो, मुंह पोंछ लो। जीसस Jesus, hallelujah! Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा चिल्ला के हम गाएंगे, थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा चिल्ला के हम गाएंगे। जॉय 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 जॉय। थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा चिल्ला के हम गाएंगे, थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हिल के, थोड़ा चिल्ला के हम गाएंगे, 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 हालेलुया, 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 hallelujah, 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 hallelujah.
यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उस पे फिदा है। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उस पे फिदा है। यीशु का प्यार, यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उस पे फिदा है। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उस पे फिदा है। हम गाएंगे 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. खुदा ने जग से प्यार करके अपना पुत्र दिया, जिसने पापियों के कारण अपना लहू दिया। खुदा ने जग से प्यार करके अपना पुत्र दिया, जिसने पापियों के कारण अपना लहू दिया। उसके लहू पापियों को प्राण मिला है, उसके लहू में नहाके पापियों को प्राण मिला है। हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus. से प्यार करके अपना पुत्र दिया, उसने पापियों के कारण अपना लहू दिया। खुदा ने जग से प्यार करके अपना पुत्र दिया, जिसने पापियों के कारण अपना लहू दिया। उसके लहू नहाके पापियों को प्राण मिला है, उसके लहू में नहाके पापियों को प्राण मिला है। हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, 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 Jesus, 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 Jesus. Oh, la 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 la, ri ra ra ra, re. Umanesi ki re. Umane sikire, umane sikire, umane sikire, umane sikire, mujhe pyar hai tujhse, 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 humne sikire, 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 sara de sari mahima tere charnon mein main lata hoon. Sara de sari mahima tere charnon mein main lata hoon. Jesus sara de sari mahima tere charnon mein main lata hoon, tere charnon mein main lata hoon. Oh, oh, पिता हम धन्यवाद देते हैं. इस वक्त आप हमारे राजा हैं लॉर्ड. हमें आपसे प्यार है लॉर्ड. और पिता मैं देख रहा हूं कि एक बड़ी तेज सी रोशनी इन सबों को छू रही है लॉर्ड. जो बीमार है इस वक्त चंगे हो रहे हैं. हाँ पिता हम तेरी महिमा में डूबना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति में डूबना चाहते हैं. जिस दिन नामा सांदरा ओ प्रभु आप राज पिता. इस वक्त हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं चर्च. इस वक्त अपने आप को समर्पित करें, समर्पित करें, ओ समर्पित करे. ये तन मन धन मेरा, मेरे प्रभु यीशु के लिए. ये तन मन
धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है अब मैं रमारे बे ओ लॉर्ड रिबा खरा मना से थे ओ मुझ में जीवित है यीशु मेरा अर्पण करूं सब कुछ मेरा अर्पण करूं यीशु मेरा अर्पण करूं सब कुछ मेरा अर्पण करूं ग्रहण किया स्वीकार किया मन में मेरे घर बनाया मन में मेरे घर बनाया ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है करतार के हाथों में मिट्टी के मानिंद हूँ करतार के हाथों में मैं मिट्टी के मानिंद हूँ मुझे आकार दे दो प्रभु मैं तुझ में समर्पित रहूं मुझे आकार दे दो प्रभु मैं तुझ में समर्पित रहूं यीशु मेरा अर्पण करूं सब कुछ मेरा अर्पण करूं यीशु मेरा अर्पण करूं सब कुछ मेरा अर्पण करूं ग्रहण किया
स्वीकार किया मन में मेरे घर बनाया ग्रहण किया स्वीकार किया मन में मेरे घर बनाया ये धन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए ओ जीसस ये धन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है ओ रबासा खाता ले ब्राना ना ना सेरियांदा रा 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 वो मुझ में जीवित है पिता इसी वक्त हम अधिकार को लेते हैं और हम यहाँ पे छुटकारे को बोलते हैं पिता हम यहाँ पे जो भी रुकावट की चीजें उसको हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से खुल जाए हर चीजें इसी वक्त प्रभु जी जब हम लोग आपके बीच में लॉर्ड इस वक्त प्रभु जी हाला मरा ना 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 से चेरिया प्रेज द लॉर्ड सभी को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया परमेश्वर अद्भुत है और उसकी करुणा सदा की आमेन 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 हालेलुया इतना पावरफुल प्रेज एंड वर्शिप हुआ मैंने तो बहुत इंजॉय किया आपने भी इंजॉय किया होगा मुझे विश्वास है हालेलुया 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 जो सो रहे हैं वो बोले हालेलुया जो सो रहे हैं वो बोले हालेलुया कोई भी नहीं सो रहा सब जीवित है सब सब आत्मा में जगे हुए आमेन आमेन आज हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग क्योंकि एक संडे हमारा गैप हुआ और 10 दिन के बाद हम लोग मिले हैं और 10 दिन हमारा बहुत पावरफुल था और सब ने बहुत कुछ रिसीव किया है और कुछ चीज भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी आपके अंदर सब कुछ है पावर पैक सब बैटरी चार्ज आप लोग फुल चार्ज हैं आप लोग जब जाएंगे मैं प्रोफेसाई करना चाहूँगी जब आप जाएंगे आपके साथ सब कुछ सुपर नेचुरल होगा जब इसी की आने बोल रहे थे कि आपको नहीं पता आपके अंदर क्या है आपके अंदर वो है जो सुपर नेचुरल है जब आप चलेंगे तो सुपर नेचुरल वे में चलेंगे जब आप बोलेंगे तो सुपर नेचुरल वे में बोलेंगे और उसी वीक में अपन ने शायद ये भी सुना था कि दुष्ट आत्माएं देख के आपको पहचानेंगे कि आप पवित्र जन है तो ये तभी होगा जब आप यीशु मसीह को अंदर लेके चल रहे हैं और तब आपने कैरी किया है और आप उस रेलम में हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर से मैनिफेस्ट हो रहा है और सब कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है आमेन आमेन एक वचन छोटा सा वचन है वो मैं शेयर करना चाहूँगी प्रेरितों 5:12 में लिखा है प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे चर्च आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम लोग भी इकट्ठे हुए हैं एक जगह एक चित्त होके और जो यहाँ पर प्रेरित बोला है तो आप भी एक प्रेरित हैं आप भी
प्रभु के दास है, प्रभु की सेवकाई में, और आपके हाथों से जैसे प्रेरितों के हाथों से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम आत्मा के सामर्थ के काम हो रहे थे, वही आपके साथ होने जा रहे हैं। आमेन, आमेन। जब आप यहाँ से जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने जा रहे हैं। लोग आश्चर्यचकित होने जा रहे हैं कि आप एक शब्द बोलेंगे लोग शॉक्ड होने जा रहे हैं आप, क्योंकि यीशु मसीह जब अपने जीवन में था और जब वो प्रचार कर रहा था और जब वो बोलता था, वो एक अधिकारी के सम्मान बोलता था, वो एक अथॉरिटी के पावर के साथ बोलता था, और जब वो बोलता था लोग आश्चर्यचकित होते थे। तो यीशु मसीह के नाम से जब आज हम यहाँ से जब हम इकट्ठे हुए चित लगा के एक चित होके इकट्ठे हुए और जब हम यहाँ से बाहर जाने वाले चर्च हम भविष्यवाणी करते एक दूसरे के ऊपर, जब हम बाहर जाने वाले ऑर्डिनरी पर्सन बन के नहीं, सुपर नेचुरल वुमेन ऑफ गॉड, सुपर नेचुरल मैन ऑफ गॉड बन के आप जा रहे हैं। आमेन। आपके हाथों से अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने जा रहे हैं। आमेन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लबरा का जे की टी नमा को जोब्रो को लबरा का टी नम्रो को लबरीता नमा का जे के टे ले। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते डाड़ी, आज के समय को आपके हाथों में हम सरेंडर कर दराड़ी। पिता, जो भी वचन यहाँ से बोया जाता पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंप दराड़ी। पिता, वो हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पा डाड़ी। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए चर्च, हम हमारे बीच में प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है, और वो परमेश्वर उन्हें बहुत माइटीली यूज़ कर रहा है और आने वाले समय में बहुत यूज़ करने जा रहा है। और जो उनके अंदर एनॉइंटिंग है, जो उनके अंदर अभिषेक है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो हमारे अंदर भी होने जा रहा है। आमेन, आमेन। और आज ही मैंने एक वचन शेयर किया था सभी बच्चों से कि हम परमेश्वर यहोवा की पत्री है और लोग हमें देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जब मैं अभिषेक भैया को, उनकी फैमिली को, उनकी सेवकाई को जब मैं देखती हूँ, तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि उनके अंदर से परमेश्वर दिखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के पवित्र जन दिखते हैं और परमेश्वर उनको माइटीली यूज़ कर रहा है। मैं ये समय उनको देना चाहूँगी कि जो भी उनके अंदर परमेश्वर ने दिया है वो हमसे शेयर करें। यीशु जिंदा है। अब हमारे बीच में यीशु जिंदा भैया है और आज वो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आमेन, हालेलुया। कितने लोग उत्साहित हैं? हमने पहले से अनाउंस कर दिया था कि अब से हर महीने एक अभिषिक्त गेस्ट स्पीकर नहीं, फैमिली स्पीकर हमारे बीच में बोलेगा। आमेन। तो आपने देखा होगा अपने चर्च में अपन बाहर से लोगों को नहीं बुलाते क्योंकि सभी अपोस्टल प्रॉफिट अपने चर्च में है तो अपन क्यों बुला पाएंगे, है ना? तो अपना चर्च ही अपोस्टलिक प्रॉफिटिक चर्च है। लेकिन हाँ, हम बुलाते हैं, अपने दोस्त यार हैं, लेकिन अपने चर्च में ही प्रभु ने तो धमाकेदार लोगों को देकर के रखा है। तो अब से हर महीने एक संडे, एक ऐसा संडे रहेगा जहाँ पर आपको बिना बताए एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको वचन की सेवकाई करना है, और जो आप कैरी कर रहे हो, अभिषेक को जो कैरी कर रहे हो, वो आप लोगों को लोगों के अंदर डालना है। आमेन। तो वचन को जैसे ही आप सुनोगे तो वो इम्पार्टेशन को भी आप पाओगे। आमेन। जरूरी नहीं कि वो हाथ रखे, प्रार्थना करे तभी कुछ अंदर जाएगा, वो बोलेंगे और आप पकड़ लोगे, आपके अंदर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपने बीच में पूरे तो प्रभु के दास और दासी लोग हैं, सब लोग आए, सबके अंदर वो एलिमेंट को डाले ताकि हम एक दूसरे को सराहें, हम एक दूसरे की एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने। ये अच्छा मौका है हम लोगों के लिए एक दूसरे को अपने से बेहतर जानने के लिए, एक दूसरे को अपने से ऊंचा जानने के लिए और उनका आदर करने के लिए। तो आइए हम जोर से ताली बजाएंगे, बोलेंगे यीशु जिंदा है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अभिषेक दे करके रखे हैं चर्च में ही। आमेन। तो भैया का नाम अभिषेक नहीं, यीशु जिंदा है। हालेलुया। आमेन। आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु इस वक्त मेरे आत्मा को खोल, मुझे खोल। जब हम लोग प्रभु के दास को प्रभु का दास समझ के आज ग्रहण कर रहे हैं हमारे बीच में, हमारे दिल में, तो प्रभु होने दीजिए जो वो बोझ लेकर के चलते हैं, जो वो दीवानगी इशू के लिए लेकर के चलते हैं, और वो जो जलन इशू के लिए लेकर के चलते, प्रभु जी जो इस व्यक्ति के अंदर खास चीज है उसको मैं खींच के लेने वाला बनूं। प्रभु जो कुछ आपके द्वारा इनको मिला वो मुझे चाहिए।
प्रभु मैं अपने आप को खोलता हूँ, मैं अपने फोन को बंद करता हूँ, फ्लाइट मोड में डालता हूँ और मैं अपनी आत्मा को हेवन से कनेक्ट करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। आमेन, आमेन। सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है? आमेन, है ना? तो देखिए, यदि आप विश्वास करते हैं तो बाइबल बताती है विश्वास बोलता है, बाइबल बताती है विश्वास बोलता है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, यीशु जिंदा है, यीशु राजा है। इससे पहले कि आप बैठें, मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूं। कितने लोग तैयार हैं रिसीव करने के लिए? ठीक है, देखिए, आज के बाद से आप अद्भुत होने जा रहे हैं। अभी भी अद्भुत थे, अब अलौकिक होने जा रहे हैं। अभी भी अलौकिक थे, अब महिमा से महिमा होने जा रहे हैं। अभी भी आप महिमा में चल रहे थे, अभी भी आप ग्लोरी में चल रहे थे, लेकिन अब कुछ और आप होके जीवन में होने जा रहा है। एक वचन निकाल करके पढ़ेंगे, मत्ती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन चिल्ला के पढ़े। मैं पढ़ दूं? हाँ, जल्दी 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 मती, हाँ पढ़ेंगे जल्दी। मती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 पद। जी, तुम जगत की ज्योति हो। देखिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं उन सब के लिए ये प्रोफेटिकली वर्ड बोलना चाहता हूँ और रिलीज करना चाहता हूँ कि हाँ, जल्दी से, तुम जगत की ज्योति हो। आप जगत की ज्योति हैं। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, आमेन, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता, आमेन। देखिए, आप अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे, जहां पर भी कर रहे थे, हो सकता है आप क्वार्टर्स मीटिंग में हाउस चर्च ले रहे होंगे, हो सकता है आप विजिटिंग कर रहे होंगे, हो सकता है आप छोटे बड़े चर्च में जाते होंगे, प्रचार करते होंगे, हो सकता है आप छोटी छोटी जेलों में जाते होंगे, हो सकता है आप बड़ी बड़ी जेलों में जाते होंगे। आप जो कुछ भी कर रहे थे, यीशु नासरी के नाम में मैं भविष्य करता हूं कि आज के बाद आप जहां जिस चीज को कर रहे थे, अब आप छिपोगे नहीं। लेबान थोलोरो बोबो, आप छिप नहीं सकते, आप चाह कर भी छिप नहीं सकते। आप चाहोगे भी कि मैं पीछे रहूं, मैं पर्दे के पीछे रहूं, लेकिन मैं यीशु नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आज के बाद आप छिपोगे नहीं, आज के बाद आप छिपोगे नहीं, आप चाह कर भी नहीं छिप पाओगे, आप छिपना चाहोगे। देखिए, बहुत लोगों को शर्म आती है, बहुत लोग लजाते, नहीं नहीं मुझे अंडरग्राउंड काम करना है, मुझे पर्दे के पीछे काम करना है, लेकिन मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, आप आज के बाद छिपेंगे नहीं, आप नजर आने जा रहे हैं, आप नजर आने जा रहे हैं, आप नजर आने जा रहे हैं, लोग आपको जानेंगे। आप जहां पर वर्क करते हैं, आप जहां पर सेवकाई करते हैं, आप जहां पर मिनिस्ट्री को करते हैं, आप जहां पर छोटी मीटिंग को भी लेते हैं, अब आप बड़ी मीटिंग लेने जा रहे हैं, अब लोग आपको जानेंगे। हो सकता है अभी तक आप सोशल मीडिया पे नहीं होंगे, आज के बाद आप सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। हो सकता है जबलपुर के लोग आपको नहीं जानते होंगे, आज के बाद जबलपुर के लोग आपको जानने वाले हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कृपया करके बैठ जाएंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, लाबा बाबा शना। दूसरा तीमोथियुस की किताब उसका 3:16-17। पढ़ेंगे, कोई जिसको भी मिल जाए जल्दी से पढ़ेंगे ना जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, देखिए, पूरी की पूरी बाइबल, पूरा पवित्र शास्त्र, हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा, परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और नंबर 1 उपदेश, और समझाने, समझाने और सुधारने। बस यहाँ पर रुक जाएंगे। देखिए, बाइबल हमको जिस प्रकार से अभी एक वचन यहाँ पर बोला गया था और उस वचन से एक प्रोफेटिकली एक प्रोफेटिक को रिलीज किया गया था, वो चीज हमारे जीवन में उस साहित्य को लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है?
उत्साहिता को लेकर के आती है, एनर्जी को, और एक यदि हम कहीं कमजोर हो रहे थे तो वो हमको उठा करके खड़ी करती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरा का पूरा जो पवित्र शास्त्र है वो कुछ चीजों के लिए लिखा गया है, कुछ चीजों के लिए आपके और मेरे हाथों में दिया गया है। पहली चीज उपदेश, दूसरी चीज और तीसरी चीज जहां पर हम ठहर गए हैं वो चीज क्या है? और धर्म की शिक्षा, पीछे 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 पीछे, समझाने और सुधारने, सुधारने के लिए। सब कोई बोलो सुधारने के लिए, अपने बगल वाले का हाथ पकड़ करके बोलेंगे, परमेश्वर का वचन सुधारने के लिए भी है। परमेश्वर का वचन आपको, देखिए यदि इधर वाले को बोल दी हो तो इस तरफ जो बैठा है, लेफ्ट में भी बैठा है, राइट में भी बैठा है, किसी को नहीं छोड़ना है अपने को, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, तो सुधारने के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में करेक्शन की आवश्यकता है। करेक्शन बोलते हैं ना सुधारने को दूसरे से इंग्लिश में, करेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं? तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, इसलिए देखेंगे क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र हमको करेक्शन भी करता है, सुधारता भी है, ठीक है कि नहीं? यदि हम विश्वास कर रहे हैं, यदि हम बसी में हैं, यदि हम चर्च में आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज से वंचित ना रह जाएं, किसी ब्लेसिंग से वंचित ना रह जाएं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, बाईस उसका बारह, प्रकाशित वाक्य किताब 22 अध्याय उसका 12 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार, हाँ, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, देखिए हर एक के किसके अनुसार? सब कोई बोलो काम। देखिए आप कितना भी आराधना करें, कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी काम करें, कितना भी वर्क करें, वर्क भी करते हैं अपन, वर्क करते हैं, काम के साथ साथ सेवकाई भी करते हैं, सारी चीजों को करते हैं, हम काउंसलिंग भी करते हैं, एक चीज की ओर हमारे, मैं आपके ध्यान को लेकर के जाना चाहता हूं, और वो है काम। सब कोई बोलो काम। परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा, परमेश्वर जब हमारे लिए वो तमाम चीजों को जो रखा है वो देगा, तो देने से पहले एक सिंहासन लगेगा, जो मत्ती किताब 25 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 32-30 वचन से लेकर के पूरे 42-48 वचन तक लिखा है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां पर एक सिंहासन है, मत्ती रचित समाचार 25 अध्याय में एक सिंहासन लगा हुआ है, जहां पर हमारे हर एक एक कामों का न्याय होगा। किसका न्याय होगा? हम अच्छे दिखते हैं, इसका न्याय होगा। हमारी अच्छी हाइट है, इसका न्याय होगा। हाँ, हम अच्छा पीच करते हैं, इसका न्याय होगा। अच्छी आवाज है, इसका न्याय होगा। हेलो, आमेन। किसका न्याय हो गया? हमारे कामों का न्याय होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा यदि हमको ध्यान देना है तो किस चीज में देना है? हमारे कामों में, पड़ोस वाले के कामों में नहीं, ठीक है कि नहीं? पड़ोस वाले अपने बगल में हाथ रख करके उसको मत बोल देना, आपको अपने कामों पर ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं? उसका काम का न्याय उसको देना पड़ेगा, आपको अपने कामों का न्याय आपको देना पड़ेगा, हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपके कामों का परिणाम उनको नहीं मिलेगा, उनके कामों का परिणाम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं? हम सबको अपना अपना लेखा देना है, और वो जो लेखे की गिनती होगी, मैं एक चीज आपके अंदर डाल देना चाहता हूं, और वो ये है काम। हम कितना अच्छा प्रचार करते हैं इससे कोई मतलब नहीं, हम कितना अच्छा गाते हैं इससे कोई मतलब नहीं, हम कैसे जीवन शैली को जीते हैं। दीदी अभी एक चीज बोल रही थी कि परमेश्वर हमको क्या करते हैं, लोग हमको क्या करते हैं, अभी त्रिवेणी दीदी ने क्या बोला, लोग हमको क्या करते हैं, को पढ़ते हैं। एक ही भाई को समझ में आया, लोग हमको पढ़ते हैं। आप नए लोगों के पास जाएंगे, उनको बाइबिल नहीं मालूम, जब हम जेल के अंदर खड़े रहते हैं और जेल में बंदी भाइयों के बीच में प्रचार करते हैं, तो उनको ये नहीं बताते मती निकालो, लूका निकालो, ये निकालो, और ये तमाम किताबों के नाम नहीं बताते। क्यों? उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है वचन, उनको नहीं मालूम क्या प्रकाशित वाक है, उनको नहीं मालूम क्या मत्ती के सुसमाचार है, उनको नहीं मालूम है। वो हमको पढ़ते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे देखते हैं, वो हमको पढ़ते हैं, वो हमको वाच करते हैं। याद रखिए, हालेलुया, समझ में आ रहा है?
या ऊपर से जा रहा है, आपके कामों के अनुसार। वो वाला काम नहीं जो अपन संडे को करते हैं, हेलो, वो वाला काम नहीं जो अपन संडे को करते हैं। संडे को सारे लोग दूत बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं? भूत नहीं बोला हूं, दूत बोला हूं, ठीक है कि नहीं? कुछ लोग हंस रहे हैं उधर से, समझ में आ रहा है? संडे वाला काम नहीं, संडे को एक्चुअली सारे लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भाई हो या बहन हो, हर एक जन कैसा हो जाता है? बिल्कुल स्वर्ग दूत के समान हो जाता है। और बाकी सोमवार से शनिवार के दिन आप जब वर्क करते हो, आप जब काम करते हो, आप जब लोगों से फोन में बात करते हो, जब किसी बहन का फोन आता है, जब किसी भाई का फोन आता है, तब कैसा है? तब मन कैसा है? तब आप क्या करते हो? हालेलुया। परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपका और मेरा न्याय करने वाला है। तो हमको फोकस करना है, और मैं इस चीज की ओर आप लोगों के हृदय को लेकर के जाना चाहता हूं कि आप अपने, देखिए विश्वास करना सिर्फ काफी नहीं है ना, विश्वास करना, बाइबल बोलती है हमारा जो विश्वास है ना, यदि मैं विश्वास करता हूं तो मेरा विश्वास कब तक मरा हुआ है? जब तक मैं कर्म नहीं करता हूं, जब तक मैं काम नहीं करता हूं, तब तक मेरा विश्वास मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है। तो यदि आप अपने आप को एक विश्वासी के रूप में देखते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ संडे वाला काम नहीं, सिर्फ संडे वाला काम नहीं, आपको अपने काम की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए एक वचन जो अभी अपन ने रिलीज किया, वो वचन क्या कहता है कि आप यदि पहाड़ पर बसे हो तो आप छिप नहीं सकते। क्या लिखा वहां पर? कि आप छिप नहीं सकते। तो आपको ना छिपता कौन है? नहीं सकते जो नजर है ना, जो काफी बड़ा है। यदि एक बड़े से हाथी के सामने यदि चींटी को अपन छुपाएंगे, या चींटी के सामने यदि हाथी को छुपाएंगे, हेलो, एक चीटी के पास अपन हाथी को बोलेंगे कि हाथी तुम यहां पर छिप जाओ, क्या बोलेंगे? हाथी को बोलेंगे तो हाथी चीटी के पास छिप पाएगा क्या? नहीं। हाथी चीटी के पीछे छुप पाएगा? नहीं छिप पाएगा। प्रतिदिन प्रतिदिन आपको चमकने का, आपको नजर आने का परमेश्वर मौका देता है। हालेलुया। प्रतिदिन आपके सामने प्रभु के लिए खड़े होने का मौका मिलता है, हर दिन मिलता है। ये आपके ऊपर है, आप चमकना चाहते हैं या छिपना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2रा वचन, और एक और कोई निकाल के रखे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 11 वचन। पहले 12 का 2 पढ़ेंगे, रोमियो 12 हाँ। का 2 हाँ। इस संसार के सदृश ना बनो हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के अंदर क्या चल रहा है, परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं? हम सब जानना चाहते हैं ना, लेकिन बहुत बार हम इस चीज को देखते हैं कि हम ही हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो परमेश्वर की आत्मिक आवाज को पहचानते हैं, परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है इस चीज को समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए ये सिर्फ प्रभु के बड़े बड़े दासों के लिए नहीं है, परंतु हम सब के लिए है। हम सबको परमेश्वर, हम सबसे परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके हृदय, उसके दिल की आवाज को समझ सकें, लेकिन क्यों हम बहुत बार फेल हो जाते हैं? हेलो, क्यों हम फेल हो जाते हैं? क्यों हम उसकी आवाज को, उसके हृदय में क्या चल रहा है हम पता कर सकते हैं, परमेश्वर का दिल क्या चाहता है हम समझ सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा उसी के ऊपर फिर से एक और बार पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश ना बनो। बस एक चीज करनी पड़ेगी हमको, हमको इस संसार की सदस्यता को क्या करना पड़ेगा, सदस्यता को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखिए सदस्यता मींस, आज बहुत सारी संस्थाएं हैं, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई आंखों वाला चला रहा है, कोई अनाथ बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, ये अलग 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 संस्थाएं हैं और अलग 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 लोग इनमें काम करते हैं,
देखें संस्था समझ में आ रहा है? हाथ उठा करके बताएंगे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है ना? देखिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों से काम कर रहे हैं, और उन चीजों में जैसे मान लीजिए कोई अनाथ बच्चों के बीच में काम कर रहा है तो उनका एक टीम है, उनका एक वर्क है जो उनके बीच में काम कर रहा है। जैसे कुछ भाई जेलों में जाते हैं और जेलों में जाकर के बंदी भाइयों की सुधी लेते हैं, उनके बीच में काम करते हैं। कुछ भाई हैं जो किन्नरों के बीच में जाते हैं और सेवकाई को करते हैं, और उनका एक ग्रुप है, उनकी एक टीम है, उनके कुछ लोग हैं। हेलो, बट यदि एक व्यक्ति अनाथ बच्चों का यदि काम कर रहा है और लोगों के साथ मिल करके यदि वो वहां से निकल करके चला जाता है और किसी और जगह पर कार्य करने लगता है, कहीं और वर्क करने लगता है, तो क्या वो उसका सदस्य कहलाएगा? नहीं समझ में। एक एनजीओ बच्चों की संस्था अनाथ बच्चों के बीच में काम कर रहा है और यदि उसमें से उनकी टीम का एक व्यक्ति निकल करके किसी और संस्था में जाकर के काम करने लगता है तो क्या वो उसका कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो जो कर रहा था वो ना करके वो किसी और चीज को कर रहा है, वो किसी और चीज को कर रहा है। कैसे पता चला? उसके काम से। वो जो कर रहा था वो ना करके कुछ और कर रहा है, तभी पता चला। अरे हाँ यार, वो पहले अनाथ बच्चों के बीच में जाता था, काम करता था, आजकल नहीं करता, आजकल वो किसी और जगह पर जाकर के कुछ और कर रहा है। समझ में आ रहा है? सदस्यता, वहां पर जो वचन लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो। तो परमेश्वर मेरे से और आपसे पता है क्या चाहता है? हम वो चीजों को ना करें, हम उन चीजों में शामिल ना हो जो संसार कर रहा है, जिसमें संसार शामिल हो रहा है। परमेश्वर हमसे नहीं चाहते कि हम उनमें शामिल हो। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? किसी ने निकाल के रखा है, पढ़ेंगे। और इफिसियों 5:11, हाँ, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। बस देखिए, मैं इसको ओल्ड वर्जन में पढ़ूंगा। ओल्ड वर्जन जानते हैं ना सब लोग, है ना, जो इंग्लिश के बाद आया था, बहुत पुराना ओल्ड वर्जन। उस वर्जन में मैं पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री, उसका 5:11। ऐसे काम जो अंधकार पूर्ण है उन बेकार के काम में हिस्सा मत बटाओ, बल्कि उनका भांडा फोड़ करो। क्या करो? भांडा फोड़ो। एक और बार पढ़ूंगा ना, देखिए ऐसा लिखा है, ऐसे काम जो अंधकार पूर्ण है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? कौन सी सदस्यता को हमको छोड़ना है, कौन सी चीजों को हमको छोड़ना है जो अंधकार से भरी हुई है? अंधकार से भरी हुई चीजें हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, उनको क्या करना है? क्या करना है? मटकी फोड़ नहीं करना है, ठीक है? अभी सावन का मौसम है, जैसे ठंडी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है ना, बारिश का मौसम आता है। अभी वो मौसम चल रहा है, त्योहारों का मौसम चल रहा है। कौन सा मौसम चल रहा है? अपने बगल वाले को हिला करके बोल देना एक बार। क्या करना है आपको? एक और बार, हाँ, ऐसे काम जो अंधकार पूर्ण है उन बेकार के कामों में हिस्सा मत बटाओ, और साथ ही साथ उनका क्या करो? भांडा फोड़ करो, है ना? कहीं मटकी फूट रही होगी तो आपको देखने नहीं चले जाना है कैसी फूट रही है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कैसे एक के ऊपर एक चढ़ते रहे बाबा, देखना है हमको, है ना? पता चला एक आधा अपने चूपर गिर गया, है ना? देखने गए थे मटकी कैसे फूटती है, खुद फूट के आ गए हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसा कार्यक्रम में नहीं करना है अपने को। आपको परमेश्वर ने रखा है, आपको परमेश्वर ने चुना है, एक और बार पढ़ेंगे क्या? भांडा फोड़ने के लिए। मुझे ये शब्द, ये वर्जन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं? तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसार के कामों में सहभागी ना हो, इस संसार के सदस्य ना बने। देखिए, जो व्यक्ति जिस कामों को करता है वो उसका सदस्य कहलाता है। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति जिस कामों को करता है वो उसका सदस्य कहलाता है।
और एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन, एक और वचन निकाल के रखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 17। पहले पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 उसका 14 वचन। और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। देखिए मैं विशेषकर उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के पास सालों से हैं, परमेश्वर के पास बैठे हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि उनके जीवन को देखते हैं, दीदी सही बता रही थी कि लोग हमारे जीवन को देखते हैं, हमको पढ़ते हैं, हमको वाच करते हैं, ये चर्च जाने वाला व्यक्ति है ना, ये चर्च जाने वाला व्यक्ति, हाँ कुछ बात है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं, तो लोग हमारे जीवन को वाच करते हैं और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सदस्य ना बने। हाँ एक समय था, क्या लिखा है भैया, आज्ञाकारी बालकों के समान, हाँ पहला पत्रस पढ़ रहे ना जी, हाँ अपनी अज्ञानता के समय। देखिए एक समय था कि जब मैं और आप अज्ञानता में अपने जीवन को बिताते थे, अज्ञानता में अपने जीवन को नाश कर देते थे, वैसे ही चला करते थे, वैसे ही जिया करते थे, हमारे आंखों में पट्टी बंधी हुआ करती थी। एक समय था जब रंगों का त्यौहार आता था, 5-5 दिन में नहीं नहाता था मैं, 5-5 दिन नहीं नहाता था, क्यों, 1 से लेकर के 5 तक एक ही कपड़े, मेरी मां गवाह है बैठे हैं, मैं नहीं नहाता था हर दिन। हां मेरी आंखों में पट्टी बंधा था, हां मैं अंधकार में जीवन जीता था। एक समय आता था जब बड़े बड़े लोगों को बैठालते थे तो सारे लोगों से मैं किसी से पैसे नहीं लेता था, घर में ही सारी चीजों को करता था, अकेला करता था। परमेश्वर का वचन कहता है अज्ञानी, फिर से पढ़ेंगे भैया, आज्ञाकारी वाला, और आज्ञाकारी बालकों के समान हाँ अपनी अज्ञानता के समय। देखिए आप उस हाँ अपनी अज्ञानता हाँ, के समय, अज्ञानता का जो समय था आपका ना, वो था, हम सबके जीवन में था, हम सबके जीवन में एक भाग था, हम सबके जीवन में एक हिस्सा था, बट अब नहीं है, अब नहीं है। कुरिन्थियों वाला किसने, कुरिन्थियों वाला पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो हाँ वह नई सृष्टि है। इसीलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। आपको परमेश्वर ने पुराना नहीं रखा, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, इस चर्च के अंदर बुलाया या अपने पास बुलाया, तो आपको पुराने वस्त्र के साथ नहीं बुलाया, आपको पुराने जीवन के साथ नहीं बुलाया। बाइबल बताती है कि अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है भैया, नई सृष्टि है। तो आप जो हो ना, आप यदि चमकना चाहते हैं, आप यदि पूछ नहीं सिर बनना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर ने उस योग्य ठहराया है और बुलाया है, नया बना करके। आमीन। बाइबल में एक जगह लिखा है, नए वस्त्र में पुराना कपड़ा नहीं बांधा जा सकता। पढ़े कितने लोगों ने पढ़े है ना, नए पुराने में या फिर नए में है ना, पुराने और नए को नहीं जोड़ा जा सकता। एक और लिखा है यहीं पर कि नया जो दाखरस रहता है वो पुराने मशकों में ना नहीं भरा जाता। पता है क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो दाखरस रहता है ना और जो पुराना जो मशकें रहती हैं है ना, यदि नया उसमें भरता है ना तो वो फैलता है। क्या होता है, यदि पुराने में भरेंगे तो क्या होगा, फूलने के बाद उसकी लिमिट, उसकी क्षमता, समझ में आ रहा है, नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार बाइबल बोलती है कि अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि। अपने पड़ोसी को बोलो आप नई सृष्टि हो, परमेश्वर की नई सृष्टि हो। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हमें बताता है कि हम पुराने थे, इसलिए पुरानी चीजों को जो कर रहे थे सो कर रहे थे, अब नहीं कर सकते। और एक दो वचन निकाल करके पढ़ेंगे, कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10वां वचन, और एक जन निकालेगा इफिसियों की पत्री उसका 4:22-23-24। कुलूसियों की पत्री पढ़ेंगे 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, क्या कर लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया क्या है? कर लिया है, पहन
मेल लिया है। पहली चीज के पहले हमने देखी कि हम एक नई सृष्टि हैं। क्या हैं? नई सृष्टि हैं। और हम किस चीज को फोकस कर रहे हैं? शुरुआत किससे किया था हमने? काम से, है ना। हमारे काम बताते हैं कि हम किसके हैं, है ना। हमारे काम बताते हैं कि हम किसके हैं। यदि मैं यदि एक व्यक्ति बीजेपी पार्टी समझते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन दो पार्टी जानते हैं, एक बीजेपी पार्टी एक कांग्रेस पार्टी, सब लोग जानते होंगे, हाथ हिला के दिखा देंगे ना, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जानते हैं ना। तो देखिए, यदि एक बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता यदि शहर में मीटिंग होने वाली है और वो, कृपया करके सुनिएगा ना, यदि एक व्यक्ति जो बीजेपी पार्टी का है और बीजेपी पार्टी की एक मीटिंग होने वाली है, एक अच्छा बड़ा स्टेज लगा हुआ है और वहां पर बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, होता है कि नहीं आपके शहरों में? हाँ, ठीक है। तो वो बीजेपी का पार्टी का एक कार्यकर्ता रात में जाकर के क्या कर रहा है? पर्चे लगा रहा है, कहीं झंडे लगा रहा है। लगाते हैं कि नहीं लगाते? आपके शहर में लगते हैं कि नहीं लगते? हाँ या नहीं? लगते हैं, सब जगह लगते हैं, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस की। किसी का भी यदि फंक्शन होता है या मीटिंग होती है, तैयारियां होती हैं। तो एक व्यक्ति जो वहां पर झंडे लगा रहा है, बैनर चिपका रहा है, तो उससे पता चलता है कि वो किसका कार्य करता है। भले वो स्टेज में खड़े होकर के, स्टेज के ऊपर उसके लिए कुर्सी नहीं बिछी है, वो वहां बैठा नहीं है, वहां पर उसका स्वागत नहीं हो रहा, लेकिन एक छोटे से काम में उसका भाग है, एक छोटे से काम में उसका भाग है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं, अरे हम थोड़ी संसार की तरह कर रहे हैं, हम तो धागा बांध रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, धागा बांध। धागा बांधने से क्या होता है? अरे हम तो मटकी फोड़ने में थोड़ी, हम तो मटकी देखने के लिए गए थे, हमने थोड़ी घर में पूजा किया, हम तो दिया जला रहे थे सबका, हमारा घर रोशन हो, हमारा घर रोशन हो इसलिए हमने भी चार ठो दिए जला के रख दिए हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बहुत बार हम ये सोचते हैं, अरे हमने वो काम तो नहीं किया, बड़ा वाला काम तो नहीं किया, हमने घर में सबको बुला करके और वो सब तो नहीं करवाया, हवन तो नहीं करवाया, ठीक है कि नहीं? हम उसमें तो नहीं शामिल, हम तो चाट हो दिए बस जला दिए घर के सामने, ताकि पड़ोस वाला अड़ोस वाला देख करके कुछ बोले ना, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं नहीं भैया, भाई बहन का त्यौहार है, ठीक है कि नहीं? साल में एक बार है, बाकी दिन आपकी बहन नहीं रहती क्या? समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति जो मीटिंग जो प्रोग्राम होने वाला है उसका पर्चे बांट रहा है और बैनर को लगा रहा है, वो बड़ी चीजों को नहीं कर रहा, लेकिन यदि उसको लोग जान रहे हैं तो वो किसके नाम से जान रहे हैं? कि ये बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसको कोई नहीं बोलेगा कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। क्यों? क्योंकि वो पर्चे तो बीजेपी के बांट रहा है, झंडे तो वो लगा रहा है, किसके लगा रहा है? बीजेपी पार्टी के लगा रहा है, ठीक है कि नहीं? हाँ, यदि वो वहां से निकल करके बीजेपी की ड्रेस पहना है, ड्रेस भी आती है आजकल, ठीक है कि नहीं? टोपी भी आती है आजकल, बैच भी आता है आजकल, वॉच करिएगा कभी, ठीक है? तो यदि वो व्यक्ति यदि वो पर्चे ना बांट के एक और दूसरे गांव में कांग्रेस पार्टी की हो रही है, वहां जाकर के उनको करने लगेगा, उनके बैनर और उनकी चीजों को चिपकाने लगेगा, वो किसका कहलाएगा? कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का। ठीक से सोचिए, देखिए, वो ड्रेस पहना बीजेपी की, ठीक है, वो पहना बीजेपी को है, लेकिन वो पर्चे और झंडे कांग्रेस के गड़ा रहा है, झाड़ रहा है, लगा रहा है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? किसका कहलाएगा वो? ना उधर का कहलाएगा, ना इधर का कहलाएगा, वो बीच का कहलाएगा। समझ में आ रहा है? भले ये लोग नजर नहीं आते, है ना, भले वो उनका स्टेज में कोई काम नहीं है, माइक में खड़े होकर के प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सहभागी हो गए हैं उस कार्य में। उस पर्चे को देख करके कोई तो आया होगा, वहां कुर्सी में बैठा होगा और वहां पे नेताओं के प्रवचन सुन रहा होगा, कोई तो आया होगा, उनको रास्ता नहीं मालूम होगा, उसने पूछा होगा यहां से जाते हैं यहां से जाते हैं। बहुत बार हम और आप इसी चीज को सोचते रह जाते हैं, आपके काम बयान करते हैं कि आप किसके हैं, आपका जीवन बयान करता है कि आप किसके हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है आप नई सृष्टि हैं। बाइबल बताती है आप अज्ञानता के समय में के काम करते थे, अब नहीं कर सकते।
हाँ एक समय था, हाँ एक समय था कि पांच पांच दिन नहीं नहाया करते थे, आज तो रोज ना आना है, ठीक है कि नहीं? हाँ एक समय था कि हमारी आंखों पे पट्टी थी, लेकिन अब परमेश्वर ने हमें ज्योति बना के रखा है, हालेलुया, और वो ज्योति सारी दुनिया को दिखाना चाहता है, हालेलुया। हाँ फिर से पढ़ेंगे उसको, कुलुसियों, क्या पढ़ रहे थे? कुलुसियों 3:10। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। बस क्या पहन लिया है? नए मनुष्यत्व, ठीक है, और आगे जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमने नए मनुष्यत्व को, जब हम मसीह में आए तो हमने नई सृष्टि हो गए और परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल के इस संसार में लेकर के आया, इस अलौकिक संसार में लेकर के आया, और इस अलौकिक संसार में परमेश्वर ने हमको क्या दिया, क्या किसको पहन लिया है? नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। देखिए पहन, जो पहना रहता है ना वो नजर आता है। कितने लोग विश्वास करते हैं मैंने अभी कुर्ता पैजामा पहना है? अजय विश्वास करता है, वाह बहुत सुंदर। अजय विश्वास करता है कि मैंने कुर्ता पैजामा पहना है, वाह। आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता है भैया, या फिर कानों के इलाज की आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं? दो में से कुछ ही एक चीज को करवाना पड़ेगा। बाइबल बताती है हमने मसीह को पहन लिया है, हमने मसीह के स्वरूप को पहन लिया है। सेंटा क्लॉस कितने लोगों ने देखा है, है ना? सेंटा क्लॉस जब किसी के परिवार में जाते हैं अपन लोग कैरल सिंगिंग में, तो किसी को नहीं मालूम रहता कि सेंटा क्लॉस बना कौन है। कोई नहीं बोलता अरे अजय भाई आया, अरे शिव भाई आया, सब लोग ए सेंटा है, सेंटा है, सेंटा है, सेंटा है, सेंटा है, सेंटा है। बच्चे लोग सेंटा है, मम्मी मम्मी भी सेंटा है, अपने घर में सेंटा आया, क्यों? नजर आ रहा ना, अंदर नहीं मालूम। कितनी घुटन हो रही है अजय भाई को, शिव भाई को, सेंटा बन के घूमते रहते हैं। समझ, नजर आ रहा है, क्या आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनने सेंटा की ड्रेस को पहना हुआ है, और जो पहना हुआ है तो नजर आएगा। यदि आपने मसीह को पहना हुआ है, मसीह के स्वरूप को धारण किया है, तो अब आप नजर नहीं आएंगे, मसीह नजर आएगा। और ये होने जा रहा है, मैं प्रोफेटिकली इस चीज को बोल रहा हूं कि मत्ती 5:14 के अनुसार ये होने जा रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप जिस भी क्षेत्र में सेवकाई को दे रहे हो, छोटा सा भाग भी दे रहे हो, आप चमकने जा रहे हो, आप वहां पर छिपे नहीं रहोगे। रिबान ट्रोबो ले बाबा शखतकना नमशलरा बाबा, परमेश्वर का वचन कहता है आपने मसीह को पहन करके रखा है। यदि एक व्यक्ति को देखेंगे जो काले कपड़े पहन करके यदि यहां पर खड़ा हो जाए, और एक वाइट ड्रेस पहन करके खड़ा हो जाए, और एक पुलिस की ड्रेस पहन करके खड़ा हो जाए, ठीक है कि नहीं? किसकी ड्रेस पहन के खड़ा हो जाए? पुलिस की ड्रेस पहन के खड़ा हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे बादल है, अमन है और विशाल भैया हैं, यदि ये तीनों एक डॉक्टर की, एक वकील की और एक पुलिस की यदि ड्रेस पहन करके यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, तो सब लोगों को, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये कौन है, विशाल कौन है, अमन कौन है और बादल कौन है। किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिचय उनका नजर आ रहा है। आमीन। उनके वस्त्र बता रहे हैं कि वो कौन है। हेलो, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? उनके कपड़े बता रहे हैं कि वो किसके हैं, उनका वस्त्र बता रहा है कि वो किसके हैं। हाँ, डॉक्टर की ड्रेस जो पहना है वो डॉक्टर है, हाँ ये वकील की ड्रेस पहना ये वकील है, हाँ ये पुलिस वाले की ड्रेस पहना ये पुलिस वाला है, ठीक है कि नहीं? तो हमने जिसको पहना है ना वो नजर आएगा, और वो नजर आना चाहिए। आप जहां पर भी रहे नजर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक वचन लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन दिख रहा है कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। एक व्यक्ति जिन चीजों से हार जाता है वो उसका क्या बन जाता है? दास बन जाता है। जल्दी से 2-3 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। एफिसियों की पत्री उसका 4, उसका 22, 23 और 24, कि पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखिए, हमको नए वस्त्रों को पहनने के लिए पुरानी चीजों को उतारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यदि मुझे ये वस्त्र उतार के यदि कुर्ता पैजामा पहनना है, तो पहले मुझे इस ड्रेस को अलग करना पड़ेगा, इस कोटी को अलग करना पड़ेगा, व्हाइट शर्ट को अलग करना पड़ेगा, तब मैं कुर्ता पैजामा पहन के आपके सामने खड़ा हो सकता हूं।
समझ में आ रहा है? वही चीज परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि आप परमेश्वर की नई सृष्टि हैं, यदि आपको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन से कुछ चीजों को अलग कर दें, आमीन, कुछ स्वभाव को अलग कर दें, कुछ चरित्र को अलग कर दें, कुछ कामों को अलग कर दें, कुछ बातों को अपने जीवन से हटा दें। क्यों? क्योंकि आपने मसीह को पहना है। जब आप चलते हो, जब आप बैठते हो, जब आप देखते हो, आप नहीं करते, मसीह। अभी हम गाना गा रहे थे ना, अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है। सिर्फ संडे को जीवित नहीं है, सिर्फ डेढ़ घंटे आराधना करते समय जिंदा नहीं है, हर समय एनी टाइम वो आपके अंदर जिंदा है। जब आप किसी से बात करो, मैं नहीं बात कर रहा हूं, मसीह बात कर रहा है। जब आप किसी के घर जाओ, मैं नहीं जा रहा हूं, मसीह जा रहा है। जब आप किसी से मिलते हो, मैं नहीं मिल रहा हूं, मसीह मिल रहा है। जब आप किसी से, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, आप नहीं कर रहे हो, मसीह बोल रहा है आपके मुख से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया है। जल्दी से हाँ पढ़ दिए वो बोला पूरा। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। दूसरा, पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 15-16-17। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखिए, यदि मैं और आप, यदि इसको 2-3 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, यदि हम संसार और संसार की बातों से प्रेम रखते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम। क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। सीधी सी बात है। देखिए, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं ना, तो आपको और आवाजों को बंद करना पड़ेगा, और आवाजों को सुनना बंद करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं, जो हमने 12:2 में पढ़ा था कि परमेश्वर की सिद्ध और भली एकता को हम जान पाए, तो यदि आपको वो जानना है, यदि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तो आपको और आवाजों को बंद करना पड़ेगा। यदि इसको एग्जांपल करना है, तो आप अपने घर में अकेले जाकर के इस चीज को करना, एक मोबाइल में चालू कर देना मुक्ति दिलाए यीशु नाम, और दूसरे मोबाइल में दूसरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अंदर से यदि आपकी पसली घर में है, या आपकी मम्मी घर में है, और आपकी मम्मी या पसली आपको बोल रही है, बेटा खाना लगाऊं, सुनते हो खाना लगाऊं, बेटे सुनते हो खाना लगाऊं, अजी सुनते हो खाना लगाऊं, तो आपको यदि तीसरी आवाज सुनना है, तो आपको ये दो रुको सुनाए, जम से बोलो क्या बोल रहे हो, बेटा खाना लगाऊं, अजी सुनते हो खाना लगाऊं, आपके कान में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप कुछ और चीज को सुन रहे हो, आप किसी और चीज को रिसीव कर रहे हो। तो आपको यदि परमेश्वर की आवाज सुनना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? दूसरी आवाजों को सुनना बंद करना पड़ेगा। आपको यदि परमेश्वर के करीब जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको किसी और चीज से दूर जाना पड़ेगा। आपको यदि परमेश्वर को लेकर के चलना है, तो आपको जो आपने पहना, यदि मुझे कुर्ता पैजामा पहन के यहां खड़े होना है, तो मुझे पहले ये कोटी उतारनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? यदि आप अपने जीवन में किसी चीज की अपेक्षा करते हो, देखिए एक और चीज ना, यदि एक गिलास में पूरा का पूरा नमक भरा है, पूरा का पूरा नमक भरा है, और उसमें आप कितनी भी शक्कर डालो, मीठा होगा क्या? कब होगा? पहले नमक को खाली करना पड़ेगा। हाँ, नमक को खाली करना पड़ेगा। एक गिलास में पूरा नमक भरा है, उसके ऊपर आप शक्कर डालोगे तो मीठा नहीं होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है। क्या हुआ है? ऑलरेडी भरा हुआ है। तो आपको यदि नया भरना है और नई चीजों को प्राप्त करना है, नए लेवल में जाना है, तो सबसे पहले कुछ चीजों को अलग करना पड़ेगा। बहुत बार हम इस चीज को देखते हैं कि एक व्यक्ति सालों से एक ही जगह, एक ही स्तर पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद बढ़ना नहीं चाहता। मालूम है आपको, परमेश्वर इसमें आपकी हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक जगह वचन में लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, वहां लिखा हुआ है अपने स्थान को चौड़ा कर। तो परमेश्वर चौड़ा नहीं करेगा, आपको करना है, आपको करना है। पुराने नियम में कहीं पर लिखा हुआ है अपने स्थान को चौड़ा कर,
अन्ना इस चीज को कहते हैं कि आपको अपनी सेवकाई को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मसीह में होकर के अपने आप को देखना पड़ेगा। देखिए, आप वो नहीं हैं जो संसार आपको समझता है, आप वो नहीं कर सकते जो संसार आपसे अपेक्षा कर रहा है। आप परमेश्वर को खुश करने वाले हैं, ना कि मनुष्यों को। यदि आप मनुष्यों को खुश करोगे, मनुष्यों की आवाज को सुनोगे, तो आप कभी भी परमेश्वर के दास नहीं बन सकते, कभी भी परमेश्वर के सेवक नहीं बन सकते, कभी भी उस शिखर तक नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको लेकर के जाना चाहता है, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। आपको अपने स्थान को चौड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। यशायाह 54 का 2। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का, जहां पर आज आप बैठे हैं ना, जहां पर आप सेवकाई कर रहे हैं ना, जहां पर आप हाउस चर्च ले रहे हैं, जहां पर भी आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे छोटी मिनिस्ट्री हो, दो लोगों के बीच में हो, या 200 के बीच में हो, या 2000 के बीच में हो, परमेश्वर आपसे चाहता है कि उस स्थान को चौड़ा कर, चौड़ा करो। परमेश्वर करेगा ऐसा नहीं लिखा है, आपको आदेश दे रहा है, आपको करना है। शिव भाई आपको करना है, अजय भाई आपको करना है, राजा भैया आपको करना है। आपको जहां पर परमेश्वर ने रखा वहीं बैठे नहीं रहना है, आपको अपने स्थान को चौड़ा करना है। और मैं देख पा रहा हूं इस समय कि बहुत सारे स्थान चौड़े होने जा रहे हैं, बहुत सारे स्थान चौड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार मेरे पास वो वचन आ रहा है मत्ती 5:14 कि अब आप छिपे नहीं रहेंगे, अब आप छिपे नहीं रहेंगे। जल्दी से पहला पत्रस 4:2 और 1 निकालें, याकूब 4:4। बस हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। शाबा बाबा रखा रबा बाबा शानदार रबा। पहला पत्रस 4:2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। देखिए, मनुष्यों की एक अभिलाषा होती है जो हमको खींचती है, क्या करती है? खींचती है। तो बाइबल बताती है, मैंने बताया ना कि यदि आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है तो आपको और आवाजों को बंद करना पड़ेगा। आपका भाई क्या बोल रहा है, आपकी बहन क्या बोल रही, आपके परिवार क्या बोल रहे हैं। अन्ना इस प्रकार से कहते हैं, यदि एक व्यक्ति अपने परिवार पर ही डिपेंड है ना, वो कभी प्रभु का दास नहीं बन सकता। हेलो, समझ में आ रहा है? यदि वो अपने परिवार से बंधा हुआ है, वो कभी प्रभु का सेवक नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? मैं आपको वचन भी भेज दूंगा, वचन से है। हालेलुया। समझ में? एक और बार पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में, ताकि भविष्य में। देखिए, अभी तक जो हो गया सो हो गया, अभी तक जो हो गया, जो होना था वो हो गया, बट अब भविष्य में आने वाले समय में, आज के बाद से, हाँ, अपना शेष शारीरिक जीवन, अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा, मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। देखिए, आप जब परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु तभी उठा करके खड़ा कर देता है। प्रभु पल भर भी विलंब नहीं करता, प्रभु पल भर भी देर नहीं करता। आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, हाँ मेरे जीवन में ये कमी थी, हाँ मैं यहाँ पर निर्बल था, हाँ मैं अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए कुछ कुछ चीजों में शामिल हो जाता था, अरे रंग वाला नहीं तो पानीच वाला ला करके दे देता था अपने बच्चों को। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? रंग वाला नहीं था, मैं रंग वाला नहीं दिया था, पानी वाला ला के दे दिया था, बच्चा जिद कर रहा था ना, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आज तक जो हो गया सो हो गया। दूसरे लोग जला रहे थे ना, तो अपन ने भी सोचा कि अपन भी अपने घर में एक अनार जला लेते हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अभी तक जो हो गया सो हो गया। बाइबल बोलती है, फिर परमेश्वर आपको मौका देता है, फिर उठा करके खड़ा करना चाहता है और कहता है, अब अपना बचा हुआ, अपना शारीरिक जीवन किसके अनुसार जिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। और परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा बताया है, छुपा करके नहीं रखा है। एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से, याकूब 4:4। हाँ, हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखिए, एक और चीज होती है, यदि हम उसमें सहभागी होते हैं, उसमें शामिल होते हैं किसी भी रूप में। मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि स्टेज वाला
एक छोटा सा भी वर्क यदि कर रहे हैं, एक यदि छोटी सी चीज में भी अपन शामिल हो रहे हैं, अपन उन्हीं के कहलाएंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, शुरू से पढ़ दे। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखिए, यदि हम उनसे प्यार करेंगे, यदि हम उनके सहभागी होंगे, यदि हम उनमें शामिल होंगे, तो एक चीज है जो परमेश्वर को क्या कर देती है? दुश्मन बना देती है। दुश्मन बना देती है, बैरी बना देती है। किसका? हमारा। एक वचन और दिख रहा है मुझे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 उसका बाबा शाखा ला बाबा 8 अध्याय उसका 20 नहीं तो 19 वचन, 20 वचन, 20 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। कोई व्यवस्था विवरण 8 ला बाबा। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, हाँ, उन्हीं के समान, हाँ, तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, हाँ, न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का जो वचन निकल करके आता है, चाहे विशाल प्रचार करे या अमन प्रचार करे या बादल प्रचार करे, यदि कोई भी प्रचार करता है और जब वचन निकल करके आता है, वो वचन हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहता, वो वचन हमें खुश करने के लिए नहीं होता। बाइबल बताती है छेद डालता है, जैसे तलवार छिदती है किसी के शरीर में, वैसे ही वो काटना शब्द जुड़ा हुआ है कि वो काटता है, छांटता है और हमें क्या करता है? फोड़ भी देता है, तोड़ भी देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से पढ़ेंगे भैया, वचन नाम वाला लाइन पढ़ेंगे। हाँ, जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, हाँ, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण, वचन को न मानने के कारण भी कुछ रिजल्ट, जैसे हम वचन को मानते हैं तो आशीष मिलती है कि नहीं मिलती? आशीष मिलती है ना। यदि परमेश्वर कहता है कि उपवास प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु बड़े बड़े कामों को करता है ना, हम किसी की चंगाई के लिए घोषणा करते हैं, प्रभु करता है ना, वचन के अनुसार हम किसी के जीवन में रिलीज करते हैं, काम होते हैं ना, वैसे ही वचन का अनादर करने से भी कुछ होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। और यदि आप वचन का तिरस्कार करेंगे, अरे ये मेरे लिए नहीं था, अरे ये उसके लिए था, अरे ये पीछे वाले के लिए था, ये आगे वाले के लिए था, मेरे लिए नहीं था। देखिए, जब रोशनी जलती है किसी घर में तो सब को प्रकाशित करती है। जब परमेश्वर का वचन आता है, हो सकता है पूरा का पूरा आपके लिए नहीं हो, लेकिन कुछ तो आपके लिए है, तभी आपके लिए आप यहां बैठे हैं, तभी के लिए मेरे लिए है, तभी के लिए मैं माइक यहां पर लेकर के खड़ा हुआ हूं। वचन का तिरस्कार करने से, वचन को नहीं मानने से, अरे विशाल दे रहा है, प्रचार कर रहा है, अरे अब भी तो हमारे सामने आया है, नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन आया है, वचन का तिरस्कार हम और आप नहीं कर सकते। यदि हम करेंगे तो वहां पर लिखा है हम नाश हो सकते हैं। परमेश्वर का जब वचन आता है, हमारे जीवन को सुधार करता है। और आज ये इसलिए नहीं कि आप सब के अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं, परंतु इसीलिए यदि आप अपने जीवन में कहीं पर भी निर्बल हैं, परमेश्वर आपको एक सुधार, आज का वचन आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार को लेकर के आ रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है जो कुछ तेरे पास है उसको थाम कर रख, कहीं कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब पता है क्या है? कोई है जो छीनने के लिए खड़ा हुआ है आपके परिश्रम को, आपकी सेवकाई को। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, यदि आप चौकस नहीं रहेंगे, कोई है जो छीन करके चला जाएगा। पता है शैतान क्या छीनता है? आपके कामों को छीनता है, क्योंकि वो जानता है आपसे बेहतर। हमारा इनका जो न्याय होने वाला है ना अभिषेक का, काम ही के इसका काम करो, इसका काम ही छीन के ले जाओ। हालेलुया। बाइबल बताती जो कुछ तेरे पास उसको थामे रहे, कहीं कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब आपका परिश्रम, आपका मुकुट छीना भी जा सकता है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। जो कुछ आपने कमाया है वो छीना भी जा सकता है। परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाहते हैं, मैं और आप इस संसार के सदस्य ना बने, मैं और आप इस संसार में सहभागी ना हो, मैं और आप परमेश्वर की ज्योति के समान चमके। देखिए, आपको किसी दिया जला करके किसी पड़ोसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी दिए से अपने घर को रोशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में जितने सदस्य हैं वो खुद एक चलते फिरते दीपक हैं, वो खुद एक चलते फिरते ज्योति हैं। वो दिया जो आपने जलाया है,
वो तो बुझ जाएगा, जरा सी हवा चली बुझ जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो जल रहा है वो सनातन सनातन काल तक जलता और जलता रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। रबाबा शनगदर रबाबा अलबी रिबी ठीक रुबबू ओ शललबा, हर एक आंख बंद हो जाए। लामरा मानसा खोटे लेरा बडर रबाबा ओ शादाबाला रबाबा शनगदा। पिता आपका वचन कहता है कि हमने मसीह यीशु को पहन लिया है। प्रभु जब हमने किसी चीज को, आपको, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को पहन लिया है प्यारे प्रभु जी, तो जिस प्रकार हमारे वस्त्र बयान करते हैं हमने क्या पहना है, हमारे काम बयान करते हैं कि हम किसके हैं। पिता आज के बाद रबदनामा शलखता रबबा अलबदरमा, जितनी आंख इस समय बंद है यीशु नासरी के नाम से मैं आपका दास होने के नाते घोषणा करता हूं और रिलीज करता हूं प्रभु आज के बाद इनके जीवन से, इनके उठने बैठने चलने फिरने बोलने बातचीत करने से प्रभु आप नजर आएंगे प्रभु जी। ओ रबबा शखता कर रमा जो संसार इन्हें समझता है, ये वो है जिसकी कीमत आपने चुकाई है, आपने चुकाई है, कलवरी क्रूस पर चुकाई है। रिबान टुबो रुबो हो शलालाला बारा रबा खटा रबा डबा अल दिलेले में शितले बे। पिता जितने कानों ने आज आपके वचन को सुना, आपकी आवाज को सुना, मैं सील और मोहर लगा देते हैं ये वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी, और इन्हें महिमा से महिमा से महिमा से महिमा की ओर ले करके चला जाए, चला जाए, चला जाए, और आज के बाद ये कभी भी अपने निचले स्तर को नहीं, एक स्थान पर नहीं, परंतु इनका लेवल बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाए। आज के बाद जहां कहीं भी कार्य कर रहे हैं लोग इनको देखने जा रहे हैं, लोग इनको देखने जा रहे हैं। लादनमा शाला रबबा, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी तारीफ करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, कृपया करके बैठ जाएं। हालेलुया आमीन हालेलुया। सबसे अच्छा वचन जब मैं बाइबल कॉलेज में था रेमा में, और एक वचन जो रोमियो 12 का 1 और 2 जो हमारे अंदर डाला जा रहा था, तो यही था कि डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदस्य ना बनो। आमेन। इस संसार के सदस्य ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और उसके बाद क्या होगा, तब जाकर के हम परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं। आमेन। तो सच में आज हम परमेश्वर के वचन से ब्लेस हुए। अब देखो ये सब जो चीज़ें होती हैं हमको, हमसे अनजाने में हो रही है। बाइबल कहती है होशाया 4:6 में कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नष्ट हो जा रही है। आप तक ये वचन अभी तक पहुंचा नहीं था, तभी के लिए इस वचन ने आपकी सुरक्षा नहीं किया था। आज ये वचन आपके पास पहुंचा है, आज ये प्रचार आपके पास पहुंचा है, आने वाले कल में ये वचन आपकी सुरक्षा करेगा कि आप यहोवा के सम्मुख कोई पाप ना कर दें। आमेन। जब हम भी प्रभु में आए हमको कुछ नहीं मालूम था, हम भी बहुत कुछ करते थे, लेकिन जैसे ही प्रभु का वचन आता गया वो वचन हमें प्रोटेक्ट करता चला गया। तो बहुत सारे लोग जो नए नए आए हैं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हो सकता आपसे कुछ गलतियां हो रही हो, वो इसलिए आपसे गलतियां हो रही क्योंकि आपको सत्य नहीं मालूम है, और इसलिए आप सत्य से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए, और ये पूरे वचन आपको मिल जाएंगे, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, ये YouTube में भी डल जाएगा ताकि लोग ब्लेस हुए। आमेन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे जिस दिन हम लोग ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया उस दिन परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। हम लोग पहला कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 1:21 निकालेंगे। आमेन। रबा खान सांता रबा, थोड़ा सा समय मैं ले लूँ। 2 कुरिन्थियों 1:21। आमेन। और हम लोग निकालेंगे निर्गमन 30:30। हालेलुया। चर्च, हम आपको समझ सकते हैं। आमेन। आपको पता है लोग बोलते ना, प्रभु अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए। कितने लोग बोलते अरे अभिषेक आया, अभिषेक आया, अभिषेक आया, करते ना ओह अभिषेक अभिषेक। आपको मालूम है अभिषेक का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बार बाइबल में अभिषेक कहां पे हुआ? परमेश्वर ने मूसा को बोला हारून के लिए कि अभिषेक करना तेरे पुत्र को ताकि वो याजक का काम करे। पहले निर्गमन की किताब में 26 में उन्होंने तेल बनाना बताया कि कैसे अभिषेक का तेल बनता है। फिर हारून ने उस तेल को डाल दिया निर्गमन 30:30 में। और तेल डालना मतलब अभिषेक करना। अभिषेक करने का मतलब ये नहीं होता आई गॉट द पावर रबा 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 रबा। अभिषेक का मतलब होता है परमेश्वर के काम के लिए अलग कर देना। द फर्स्ट थिंग
anointing does. अभिषेक क्यों प्रभु हमें देता है, हमारा अभिषेक क्यों करता है परमेश्वर, कि वो हमें अलग कर देता है कुछ काम को करने के लिए जो वो हमसे करवाना चाहता है. Amen. तो हम लोग मसीह लोग हैं, तो ऐसा नहीं पास्टर को ही प्रभु ने अभिषेक किया है, अपोस्टल को किया है. दूसरा कुरिन्थियों 1:21 में बाइबल कहती है यीशु मसीह ने आप सबका अभिषेक किया है. खोल के पढ़ेंगे इसको, दूसरा कुरिन्थियों. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया. कौन हमें मसीह में दृढ़ करता है? यीशु मसीह करता है. किसने हमारा मसीह में अभिषेक किया है? यीशु मसीह ने हमारा अभिषेक किया है. हालेलुया. तो चर्च में आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये वचन जब हमारे अंदर पहुंचा है, आप जा करके इसको बार बार सुनना, इसके रेफरेंस आपको मिल जाएंगे. हमें बहुत ज़रूरी है. लोग नाश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं है. लोग क्यों सबको खुश कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये वचन नहीं मालूम है. और आज जब ये वचन हमारे पास आया, मुझे मालूम है हर एक जवान, हर एक कोई, ये वचन उनकी रक्षा करेगा. हालेलुया. दाऊद बोलता है ना कि मैंने तेरे वचनों को अपने दिल पर रख लिया है कि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं. तो लोग नष्ट क्यों हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे कि वो खुद करना चाहते हैं कुछ, वो शामिल होना चाहते हैं, वो सहभागी होना चाहते हैं. भैया आप लोगों को अटैक नहीं कर रहे थे, भैया आपके अंदर प्रेम के द्वारा कुछ वचनों को लेकर के आ रहे थे, सुरक्षा के, जो आपके अंदर आए और वो आपकी सुरक्षा करे. आपको पता है शैतान क्या चुराता है? शैतान आपकी कार नहीं चुराता, शैतान आपका बैंक बैलेंस नहीं चुराता, शैतान आपके लोग नहीं चुराता, शैतान आपके अंदर से वचन को चुराता है. बाइबल कहती है वो चोरी चोर है और वो वचन चुराता है. जब वो वचन चुरा लेगा तो सुरक्षा चले जाएगी, जब वो वचन चुरा लेगा तो पवित्रता ही चले जाएगी. हालेलुया. तो चर्च में आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं. थोड़ा तेज था, थोड़ा फास्ट था, जो भी था, आप रिसीव करो कि प्रभु हम इस संसार के सिजस नहीं बनेंगे, हमने आपको पहन के रखा. वी आर एनॉइंटेड. एनॉइंटिंग का मतलब क्या होता है मालूम है ना? सेट अपार्ट, प्रभु के लिए अलग कर दिए गए हैं, उसकी सेवा के लिए अलग कर दिए गए हैं. अब हम दूसरों के साथ नहीं मिल सकते, ये होता है अभिषेक का मतलब. लोग जाते हैं ना एनॉइंटिंग मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग. ओके, व्हाट इज एनॉइंटिंग? एनॉइंटिंग मींस कि प्रभु हमारा अभिषेक कर रहा है कुछ काम को करवाने के लिए, हमें अलग कर दे रहा है. और हम सबों को यीशु मसीह ने अपने काम के लिए अलग कर चुका है. दैट इज एनॉइंटिंग. ऐसा नहीं ओ भैया प्रभु ने अभिषेक दिया, काय के लिए दिया बे? अलग किया इधर को, काय के लिए किया अलग? सिर्फ गवाही देने के लिए? प्रभु ने भारी उपस्थिति दी, अभिषेक आया. अभिषेक काय के लिए अभिषेक आया? अभिषेक कुछ करवाने के लिए आता है. अभिषेक पहले आपको अलग कर देता है. आमेन. है ना? एक एनॉइंटेड मैन इज सेट अपार्ट मैन. आमेन. एनॉइंटिंग सबसे पहले जो बाइबल में जिक्र आया है वो यहीं पर आया है, प्रभु की सेवा के लिए अलग कर देना. मतलब हम दूसरे बर्तनों के साथ नहीं मिल सकते, हम दूसरे कपड़ों के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि हम मंदिर के उपयोग में आएंगे, हम बाहर के उपयोग में नहीं आएंगे. आमेन. तो अभिषेक का मतलब यही नहीं, अभिषेक जुओं को तोड़ता. जब आप अलग हो जाओगे तो जुएं टूट जाएंगे. हालेलुया. हीलिंग एनॉइंटिंग, जब आप अलग हो जाओगे हीलिंग एनॉइंटिंग फ्लो होगी. Amen. वो पावर ऑफ गॉड फ्लो होगा. आमेन. तो anointing को हमेशा हम लोग गलत लेते हैं. anointing चाहिए. anointing का मतलब है सेट अपार्ट. प्रभु आपको अलग कर दे रहा है. जब आपके जीवन में कुछ परेशानी आ रही हो, आप अपने आप को अलग कर रहे हो, उसका अर्थ यही है, तेल लगा के अलग कर देना कि अब ये परमेश्वर का है, ये इसको कोई साधारण मनुष्य यूज नहीं कर सकता, अगर कर लेगा तो वो मर जाएगा. तो वैसी चर्च आपकी कॉलिंग anointed है. आमेन. तो मैं बस आपको डराना चाहता हूं. हालेलुया. देखो आग से खेलना खतरनाक है. हालेलुया. आमेन. परमेश्वर के साथ खेलना खतरनाक है. समझ रहे ना आप? गंभीर हो जाइए. देखो वी आर ग्रेस फेथ पीपल. आमेन. वी प्रीच ग्रेस, वी प्रीच फेथ, बट वी प्रीच होलीनेस ऑल्सो. हालेलुया. वी प्रीच आज्ञाकारिता ऑल्सो. Amen. तो ये कुछ चीजें हैं, है ना? अगर आपको नॉर्मल विश्वासी बन के जीना है ना, तो जी लो अपनी जिंदगी, जो करना करो. बट फॉर अस, बट फॉर आवर ग्रेस फेथ परिवार, वी आर कॉल्ड टू शेक द नेशंस. हालेलुया. Amen. वी आर कॉल्ड टू चेंज द नेशंस. हालेलुया. वी आर नॉट फॉर दिस वर्ल्ड, वी आर फ्रॉम हेवन. हालेलुया. तो चर्च दुनिया कुछ भी करे, उनको कुछ भी प्रचार पसंद हो, बट फॉर अस वी हैव गिवन आवर लाइफ.
हमने अपना जीवन दिया भाई, क्या दिया अपन ने, हमने अपना जीवन दिया है। और क्यों जीवन दिया है, डांस करने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं, हमने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दिया है। प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए अलग किया है, आमेन। तो चर्च, मैं आप लोग को उत्साहित भी करना चाहता हूं कि आप लोग इस टीम में आ जाओ या उस टीम में आ जाओ, या तो सब चलता है भाई। अरे यीशु मसीह है, यीशु मसीह दया मर्सी मर्सी करो और बैठे रहो, घुटना टेक करके रोते रहो, पाप भी करो फिर मर्सी मर्सी, फिर पाप करो फिर मर्सी मर्सी। वी आर नॉट फॉर मर्सी, प्रभु ने मर्सी कर चुका हमारे ऊपर। वी आर फॉर चेंजिंग द नेशंस, वी आर कॉल्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। हम शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु ने हमारा अभिषेक किया है। आज ऐसा 61 हमने पढ़ा है, प्रभु ने क्यों हमें अभिषेक दिया है, रोने के लिए। उसमें लिखा कि तुम रोओगे चिल्लाओगे रोओगे नहीं, उसने बोला जो रोएगा तुम उसके आंसू पोछोगे। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो कहां करेंगे, या तो इस पार हो जाओ या तो रेडिकल हो जाओ या तो फिर ओके। वर्दी पहने हम लोग ने, पोस्टमैन पुलिस वाला और 3-4 लोग वो सिल्वर और स्काउट एंड गाइड और वो एनसीसी वाले सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो रियली सेपरेटेड रहता है ना वो सबके साथ नहीं घूमता, इज ऑफिशियल। हालेलुया। उसके वेपन्स दिखते हैं, उसके बोलने में पावर रहता है। जब वो आता है तो बहुत सारी गाड़ियां आती है, तो जब हम आते हैं तो स्वर्गदूत आने चाहिए, दुष्टात्माएं भागना चाहिए। जब हमारी गाड़ी आए तो दुष्टात्माएं भागनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। सो वी आर फॉर चेंजिंग द नेशंस, आमेन। हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए, ग्रेस फेथ चर्च इज नॉट फॉर पैसिव बिलीवर्स। अगर आपको एकदम साधारण, आपको मैया के भी पास जाना, आपको लल्ला के पास भी जाना, तो अब यहाँ मत आओ, सॉरी ये आपकी जगह नहीं है, प्लीज आना बंद कर दो, कोई दूसरा चर्च ढूंढ लेना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं प्रभु मैंने अपना जीवन आपको दिया है, मुझे कुछ प्रभु तेरे राज्य में करना है, तो ये जगह आपकी है, है ना। प्रभु ने हमें वायदा किया ये छोटा झुंड 1000 हो जाएगा, हमको फर्क नहीं पड़ता कि आप होंगे तो 1000 होंगे, हमको नहीं चाहिए तुम, हमको वो लोग चाहिए, हमको उनके साथ रहना है जो रेडिकल हो, जिसने अपना जीवन और दीवानगी प्रभु को दिया है, जो लड़की के पीछे पागल नहीं है, जो प्रभु के पीछे पागल में है। आमेन। कि प्रभु मुझे कुछ करना है, मेरे पर बुलाहट है, आपने मुझे चुना है, मैं कैसे रहूं, मैं साधारण जीवन नहीं जी सकता। आमेन। चर्च आप समझो इस चीज को, है ना। हम लोग 10 दिन का एसटीसी करके बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं करे। हाँ कुछ लोग आते हैं, हाँ हमने बाइबल कॉलेज किया, हाँ हमने ये किया, ठीक है भाई तूने किया, लेकिन हम लोगों ने क्यों किए हैं, राष्ट्र को हिलाने के लिए। तो आमेन, आई प्रोफेसाई हम छुपने नहीं वाले हैं, अब दुष्ट आत्माएं तो हमको जानती हैं, अब ये लोग भी जानेंगे जिनके अंदर है, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं। अपन को याद है, अपन ने उस दिन वचन को पढ़े, हमको परमेश्वर उस पार लेकर के जा रहा है, ताकि वहां पे हमारी मुलाकात किससे हो, दुष्ट आत्माओं की सेना से हो। हम लोग उनके सामने रोएंगे नहीं, वो रोएंगी। हालेलुया, आमेन। तो चर जो आज यीशु जिंदा ने हमें सिखाए हैं, आमेन, मैंने ही उनको बोला था, आमेन। ऐसा नहीं है कि वो आज ये पर्व है तो आपके ऊपर अटैक करे, नहीं, वो इस चीज में माहिर है। हालेलुया, वो उनका अभिषेक है, आमेन। तो आप उस चीज को लीजिए, आमेन। उन्होंने बहुत खूबसूरत रीति से पूरे वचन के साथ, हावे में बात नहीं, पूरे वचन के साथ आपको बता दिए और आपको सुरक्षा दे दिए। जब आप ये वचन को अपने दिल में रख लोगे, आपसे पाप हो नहीं पाएगा। हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ कुछ कांड कर दिए होंगे, कोई बात नहीं, आमेन, लेकिन आप मत करना, है ना। और गलातियों 1:10 पढ़ लेंगे, जो मेरा बहुत फेवरेट वचन है। हाँ, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। गलातियों 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ, क्या अब मैं अपने परिवार को मनाता हूँ, मेरी बहन को मनाता हूँ, मेरे पड़ोसी को मनाता हूँ, मेरे बॉस को मनाता हूँ, मेरे कस्टमर्स को मनाता हूँ, या मैं परमेश्वर को, या परमेश्वर को मनाता हूँ। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ, क्या मैं अपने पड़ोसी को, क्या मैं अपने कस्टमर को, क्या मैं अपने लोगों को, अपने पड़ोसी को, इन सबको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, या यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, अगर यदि मैं अब तक, अगर यीशु जिंदा अगर अभी तक मनुष्यों को खुश करता रहता, या रिचर्ड या आप लोग खुश करते रहते, तो मसीह का दास ना होता, तो मैं मसीह का दास नहीं होता। तो आप क्या होते, मसीह के विश्वासी होते, बच्चे होते, लेकिन एक सेवक नहीं हो पाते। हाँ आप मसीह के बच्चे हैं, ओके, हाँ आप मसीह के लोग हैं, ओके, लेकिन मसीह का दास वही होता है चर्च, जो
प्रभु को हर्ट नहीं करता लेकिन मनुष्य को हर्ट कर देता है. आमेन. तो मेरे लिए आई विल हर्ट यू बट आई विल नॉट हर्ट गॉड. आमेन. आई कैन हर्ट यू बट आई विल नॉट हर्ट गॉड. और इफ अगर मैं हर्ट नहीं कर रहा हूं प्रभु को तो कल तुम मेरे पास ही माफी मांगने आ जाओगे कि भैया मेरी गलती थी, आई एम सॉरी. आमेन. तो हम लोग को अपनी खराई में अड़े रहना ये समय वो नहीं है. आप अन्ना ने बोले थे देखो दो जनरेशन जा रही है, एक पाप भी कर रही चमत्कार कर रही लेकिन हमारी जनरेशन कैरेक्टर और पावर में जाएगी. तभी के लिए हम लोग को निकलने में थोड़ा समय निकल रहा है लग रहा है. आमेन. साउल की सेना बहुत घूम रही थी इसराइल में लेकिन वहां पे दाऊद कुछ लोग को तैयार कर रहा था. हालेलुया. आमेन. और वो हम लोग हैं परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर के पावर के साथ हम लोग जाने वाले हैं. आमेन. और हम लोग बोल सकेंगे संसार का मुझ में कुछ भी नहीं है. हालेलुया. उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है. तो आने वाले बहुत सारे समय आने वाले हैं आपकी विश्वास योग्यता आपको दिखाने के लिए. परमेश्वर के सामने बहुत सारे त्यौहार आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी. ये वचन आपकी रक्षा करना चाहिए. हालेलुया. तो मैं आपको बता दे अगर आप ये सब में जाओगे तो श्राप आप आएंगे, फिर हमारे पास मत आना बार-बार प्रार्थना कराने के लिए. सॉरी. हाँ आप घूम घाम लो, सब जगह घंटा बजा लो, हर जगह सब कुछ कर दो, उसके बाद आ जाओ भैया कुछ नहीं हो रहा प्रार्थना कर दो. मैं नहीं करूंगा प्रार्थना, हमारे पास टाइम नहीं है. हम लोग को और लोग को समय देना है. है ना. आप बार बार गलती करते रहोगे थोड़ी ना फिर कहीं और चले जाओ अगर आप ऐसे घूमना है तो आपको. लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं लॉर्ड मैंने प्रभु यीशु मसीह आपको अपना जीवन दिया हो, मरु यो करू वाला जीवन मैं कहूंगा. आमेन. तब परमेश्वर हमको हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जीवन में खुद काम होगा. आमेन. हालेलुया. हाँ नए लोगों से गलती होती है, नए लोग कर देते हैं, लेकिन अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है. आमेन. तो चर्च हम लोग प्रार्थना भी करेंगे उपवास भी करेंगे तब भी आपका काम नहीं होने वाला. हाँ प्रभु दयालु, हाँ प्रभु प्रेमी है लेकिन वो न्यायी भी तो है. हाँ वो न्यायी भी तो है ना. तो अगर आप अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी होंगे तो फिर गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी. तो इसलिए चर्च खुला बोल रहा है रिचर्ड भैया ये सब उलपटांग चीजों में रहना नहीं है अपन को. संडे को पवित्र मानना है, किसी दूसरों को दिखाने के लिए खुश करने के लिए कोई प्रभु में नहीं आता. भाई प्रभु चमत्कार के द्वारा लोग प्रभु में आते हैं, आपके व्यवहार के द्वारा नहीं कि हाँ जी हाँ ठीक है थैंक यू जीसस प्रभु ब्लेस करते हैं हमने खा लिए, उसके कारण नहीं आते लोग. आप बैठे हो वर्ड ऑफ विजडम में फ्लो हो रहे हो आप कि बहन तेरे पति का नाम विजय है, उसके भाई का नाम जगदीश है, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, प्रभु उसको चंगा कर रहा है. वो बोलेगी तेरे को कैसे मालूम, प्रभु यीशु ने बताया. दूसरे दिन आपके घर में गाड़ी आएगी. आप बोलोगे मैं ये सब नहीं खाता, बोलेगी मैं भी नहीं खाऊंगी. ये चीज लोगों को घुटने पे लेकर के आती है. आपका धन्यवाद थैंक यू. अरे वो लोग को अच्छा लगेगा, हम लोग मसीह लोग अच्छे लोग होते, मसीह लोग अच्छे नहीं सोशल वर्कर से लोग प्रभु को नहीं बांट सकते सामर्थ के साथ. क्यों ना आप व्यवहार के बदले सब्स्टिट्यूट कर लो कि लॉर्ड वर्ड ऑफ विजडम अगले फ्राइडे को रिचर्ड भैया आप लोगों को ज्ञान का वचन और बुद्धि का वचन सिखाएगा. पिछले हफ्ते मैंने जस्ट थोड़ा सा बोला था स्पिरिट को खोलना, नेक्स्ट फ्राइडे मैं ये चीज सिखाऊंगा. अपने आप जो भी लोग आपके पास आएंगे विद द प्रॉफिट ऑफ ऑफिस आप लोग लोगों के बारे में बताने लगोगे. और जब आप बताओगे तो कितना भी बड़ा कोई योद्धा क्यों ना हो वो आपके सामने घुटने टेकेगा, बार बार फोन करेगा सिस्टर बात कर लो, बहन बात कर लो, भाई बात कर लो. इससे हम लोगों को जीतते हैं. हालेलुया. आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु भोज में जाएंगे. आमेन.